दोस्तों, हमारा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एबल्टन के ऊपर कुछ काम। पिछले चैप्टर में हम लोग देखा है न्यूएंडो में कैसे हम लोग इसको रेंडर किया जाए और इसका VST कनेक्शन सेटिंग क्या है, कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। तो आज जो देखेंगे वो न्यूएंडो में जो हम लोग इंडिविजुअल ट्रैक एक्सपोर्ट किए थे, तो वो ट्रैक को एबल्टन में हम लोग लेकर आएंगे। तो देखिए, हम लोग न्यूएंडो में मीडी का काम किए हैं, मीडी में काम हो रहा है, और पहले हम बोल दिया है एबल्टन का ये जो एबल्टन वर्जन है, ये वर्जन है 64 बिट का वर्जन है, 32 बिट का कोई प्लगइन्स आएगा नहीं, इसीलिए इधर प्लगइन्स फोल्डर में एम्प्टी दिखा रहा है और एक दिखा रहा है। एक्चुअली ये 64 बिट बोल कर दिखा रहा है। इसका तरीका नेक्स्ट चैप्टर में बोल देंगे हम, कौन सा सॉफ्टवेयर लोड करने से 32 बिट का जो VST है वो कॉन्वर्ट होकर 64 बिट में हो जाएगा। तो हमारा चैनल में आज जो चैप्टर है, तो वो चैप्टर में हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि वो जो ये प्लगइन्स के बारे में जो हम बोल रहे हैं ये हम लोग दूसरे चैप्टर में बात कर लेंगे। तो देखिए, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। इधर ऑलरेडी दो मिडी ट्रैक और दो ऑडियो ट्रैक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है एबल्टन से, एबल्टन में ये डिफ़ॉल्ट रहता है। इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, मिडी ट्रैक को डिलीट कर दे रहे हैं। ऑडियो ट्रैक 1-2 हो गया, उसके बाद ऑडियो ट्रैक 3 हो गया, ऑडियो ट्रैक 4 हो गया और ऑडियो ट्रैक 5 हो गया। 5 ऑडियो ट्रैक ले लिया है हम लोग। अगर इधर से देखेंगे तो 5 ऑडियो ट्रैक को हमको मिल रहा है, और हम लोगों को क्या करना है, इधर से देखिए, इधर से आपको मिलेगा नहीं किस जगह पर वो है, कि US का और न्यूएंडो का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है मिक्स फोल्डर बोल के एक फोल्डर के अंदर रखा था डेस्कटॉप के अंदर, तो उसको दिखाना पड़ेगा। ऐड कर रहा है डेस्कटॉप के अंदर, देखिए डेस्कटॉप है, उसके अंदर क्यूबेस प्रोजेक्ट था, क्यूबेस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनल जो मिक्स बोल के हम लोग फोल्डर किए थे, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए, इधर फाइनल मिक्स फोल्डर आ गया, इसको चूज़ करिए, देखिए आ गया है। तो हम लोग ड्राम पहले ले लेंगे, यह ड्राम, यह ड्राम 2, वो तो फाइनल एक्सपोर्ट था, वो नहीं लगेगा। ये है पियानो, ये है पैड्स, और लास्ट में जो है वो बास गिटार। ये हम लोगों को करना होगा, हम लोग ड्रैग करके इसको पूरा कर लिया है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा लूप में डाल देते हैं। लूप में डाल दिया, लूप को ऑन कर दिया, अभी इधर से चलाना है। तो हम लोग अगर चलाएंगे तो बज रहा है एबल्टन से, हर ट्रैक चल रहा है। थोड़ा सा जूम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा बज रहा है, और अलग अलग ट्रैक करके हम लोग देख पा रहे हैं जो प्रोजेक्ट हमारा न्यूएंडो में था वो प्रोजेक्ट ही बज रहा है। तो इसको हम लोग क्या करें, देखिए ये जो जगह है इससे अरेंजमेंट सेशन भी बोलता है, और ये जो जगह है अरेंजमेंट भी बोलता है। तो इसको साथ साथ हम पैरेलली उसको चलाए, कैसे चलाए और इसको एक्सपोर्ट कैसे करें। मान लीजिए प्रोग्राम में आप लोग है, उसका साथ साथ कुछ इसका साथ कुछ चलाना है, तो सैंपल्स के अंदर मान लीजिए ढोलक, तो कोई भी अलग अलग करके उसका साथ चलाना है, मान लीजिए हम एक ढोलक बोल के ले रहा है इधर, तो अभी जो बज रहा है, देखिए अगर प्ले करेंगे तो पीछे का बज रहा है, ये बज रहा है, तो इसका साथ ढोलक अगर पंच कर देंगे, कर सकते हैं। और देखिए हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं रनिंग, इसको हम लोग 2-3-4, 1-2-3-4, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ढोलक तो रिकॉर्ड हो गया है, तो इधर हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा जगह पर ढोलक रिकॉर्ड हुआ है। देखिए ढोलक तो नहीं रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि हम लोग ढोलक को रिकॉर्ड बटन को प्रेस नहीं किए थे, तो उस टाइम में फिर से एक बार कर लेते हैं। देखिए रिकॉर्ड को करना पड़ेगा, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, बस और नहीं लगेगा, इसको दो बार कर लेते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करके थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा नहीं होने से हम लोग अगर इसको कंट्रोल डी करेंगे तो दो बार हो गया। तो क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, इसलिए दिखा रहा है, मान लीजिए ये जो पूरा जो सेक्शन है ढोलक छोड़ के, ये पहले एक बार बजेगा, इसको कंट्रोल डी कर देते हैं। तो कंट्रोल डी हो जाने के बाद ये क्या है, इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, पूरा इसको लेके इसको जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, अंडू, और एक बार अंडू करना पड़ेगा, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, हो गया। और लास्ट जो है इसको जोड़ दीजिए। और ये जो ढोलक का जो पार्ट है ना, ये ढोलक का पार्ट हम लोग बाद में करते हैं, क्योंकि पहले का जो पार्ट है प्लेन बजेगा, उसके बाद ढोलक पहुंचेगा, ठीक है। एक बार सुनकर देख लेते हैं कैसे लग रहा है, अभी ढोलक नहीं है। अच्छा, ये लूप का गड़बड़ हो गया है, लूप को उठा दे रहा है, इसको रखते हैं। वन टू थ्री फोर, बहुत अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको थोड़ा कंप्रेशर डाल के, मतलब ये ट्रैक में जो 6 नंबर ट्रैक है, ये हम ढोलक लिख दे रहे हैं, इसको रीनेम कर दे रहे हैं, ढोल लिख दिया। तो इसमें थोड़ा सा कंप्रेशर डाल के इसको थोड़ा बूस्ट करना है। तो ऑडियो इफेक्ट में जाते हैं, उस ऑडियो इफेक्ट में जाके कंप्रेशर थोड़ा इस ट्रैक में नीचे में हम डाल दे रहे हैं। तो देखिए, अगर हम आउट को थोड़ा सा बढ़ाएं तो ढोलक का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा लग रहा है, ये तो हो गया एक पार्ट, मतलब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो कंप्रेशर का पार्ट है, ये पूरा कंप्रेशर का डिटेल्स हम बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ रेशियो क्या होता है, अटैक क्या होता है, रिलीज क्या होता है, हम बाद में बोलेंगे। बेसिकली हमारा जो मोटिव था, जो हम लोगों ने बनाया है न्यू विंडो में और क्यूबस में, जिसको एक्सपोर्ट हम लोग किए हैं, तो वो एक्सपोर्ट करके हम लोग इधर लेके आया है एबल्टन में। ये काम हम लोग ऑन स्टेज कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए एक एक करके हम इसको रिलीज कर सकते हैं। मान लीजिए ये चलेगा नहीं, मान लीजिए एक नंबर चलेगा और 3-4 नहीं चलेगा, फिर ड्रम, हम लोग प्रोग्राम में ऐसे टाइप का कर सकते हैं। मान लीजिए गाना शुरू होने के पहले ये चल रहा है, वन टू थ्री फोर, समझ गया। तो हम लोगों को ये पूरा को एक्सपोर्ट करना है, तो ये दो जगह से हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग अरेंजमेंट व्यू से एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको कंट्रोल ए करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करके फाइल में जाके एक्सपोर्ट ऑडियो स्लैस वीडियो, इसमें जाना है। और देखिए ऑलरेडी 1-16 ट्रैक, 1-16 रेंज ले लिया है, मतलब 16 बार तक ले लिया है, और ये मास्टर ट्रैक आउटपुट होगा। फाइल वेब AIFF और FLAC कर सकते हैं। पुराना जो 9 में था वेव और AIFF था, और FLAC क्या इसमें किस लिए काम करता है वो हम आपको बोल देंगे। और देखिए जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उस टाइम में कुछ तरीका है वो भी हम लोग बोल देंगे। तो हम लोग प्लेन मिक्सिंग मतलब जो प्लेन है वही पहले एक्सपोर्ट करके देख ले रहा है, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद एबल्टन बोल रहा है इसका नेम क्या होगा और किधर ये रहेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, एबल्टन में देखिए सॉन्ग एबल्टन डेस्कटॉप सॉन्ग ए बोल के न्यू प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर हम लोग इसको रखते हैं फाइनल मिक्स बोल के, सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया, फाइनल मिक्स जो है इसके अंदर नहीं है, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए डेस्कटॉप में एबल्टन प्रोजेक्ट ये सॉन्ग है, न्यू प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एबल्टन प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट देखिए फाइनल मिक्स बोल के आ गया है, इसको हम लोग सुनेंगे तो देखिए 16 बार चलेगा, 16 बार तक चलेगा ये। अब इतना लोग ऐड होगा, एक एक्सपोर्ट हो गया उधर से, इसको बंद कर दीजिए। अभी अगर हम लोगों को इधर से एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए इधर तो कुछ नहीं दिखा रहा है, जस्ट ढोल दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अभी अगर हम लोगों को इधर से एक्सपोर्ट करना है तो हम लोगों को मेंशन कर देना पड़ेगा कितना बार तक ये चलेगा, ये हम लोगों को मेंशन कर देना पड़ेगा। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये 1 बार रहेगा, अगर 1 बार रहेगा तो ये लेंथ आपको 1 बार का ही होगा। इधर से आप लोगों को 16 बार मतलब 16.1.1 करना पड़ेगा, तब वो एक्सपोर्ट होगा। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं फाइनल मिक्स 2 बोल के, पहले 1 नहीं 2 करते थे, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपोर्ट हो गया। और इसके साथ साथ इधर भी आपको थोड़ा रिफ्रेश नहीं तो एक बार दूसरा फोल्डर चूज करके एक फोल्डर फिर से जो फोल्डर था उसको चूज कीजिए, चलाएगा। तो इसको कोई भी जगह पर डालिए, ये पूरा चलेगा। और देखिए इधर चल रहा है और उधर भी चल रहा है, तो उधर को अगर बंद करना है तो इसको पूरा टोटल को सिलेक्ट करके आप लोग इसको पूरा डिलीट कर सकते हैं, पूरा डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिक्स तो आपको बन गया है। तो उधर से चलाइए, चल रहा है, फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है। अभी ढोलक 5 होगा, ये भी 5 कर दिया। इसको थोड़ा अब लोग लेफ्ट राइट भी कर सकता है, मान लीजिए ये लेफ्ट में बज रहा है, वो राइट में बज रहा है, ये भी होगा। एबल्टन का सेटिंग के बारे में बोल देंगे, हम लोगों को मोटिव था निवंडो का प्रोजेक्ट कैसे हम लोग इधर ले आए और इधर लेके कैसे हम लोग कर पाए, ये हमारा मोटिव था। तो आप थोड़ा टेस्ट करके देखिए, आप लोग थोड़ा टेस्ट करके देखिए और हमारा चैनल कैसा लग रहा है उसका बारे में भी आप लोग हमको बोलिए, क्या क्या कमी है वो भी हमको जानना चाहिए, कौन सा चैप्टर्स देने से आप लोगों को सुविधा होगा वो भी हमको जानना चाहिए। हमको ऐसे मिस करिए नहीं तो कमेंट कीजिए और इसको बहुत जगह से शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जितना चाहे लोग सीखे, कोई हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना लोग सीखेगा तो उतना ही अच्छा है। तो ये करने के बाद आप लोगों को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रोजेक्ट बनाने में बहुत आसानी से प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।